हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। तो आज बहुत से बच्चे एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज हमने जीके का क्विज रखा था स्कूल में, तो बहुत से बच्चों को रिजल्ट जानने की बहुत ही इच्छा थी और बेसिकली वो कॉपी भी चेक हो चुके हैं, तो रिजल्ट भी हम अनाउंस इसी वीडियो के अंदर कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि आपको रेगुलर जीके क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब जीके के विनर का अनाउंसमेंट करना है, उसके लिए मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के अंदर भी सस्पेंस बना रहे कि हाँ कौन विनर है, तो उसके लिए मैं अभी विनर अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन के बीच में ही उस विनर का हम अनाउंसमेंट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के जीके के क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के जीके का पहला क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है और बेसिकली जनरल चीज़ों में कई बार पूछा गया भी है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, ये तो लगभग सभी को पता ही होगा और मे बी सभी को पता होना ही चाहिए कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी, मतलब भारत में सबसे पहली बार रेलवे कब चालू की गई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की ओर। क्वेश्चन नंबर नौ, चोरी चोरा कांड कब हुआ है? जी हाँ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी। आई होप आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे और मे बी आप लोगों को पहले प्रश्न इसलिए बताया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर दो और फिर लास्ट तक देखो कि आपका कौन सा आंसर सही है और फिर आप अपने आप को रेटिंग भी दे सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की ओर। जी हाँ, पहला क्वेश्चन था हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, इसका आंसर है अमृतसर, कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। अब क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताने से पहले मैं आपको विनर अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमारे आज के जो अगस्त 31 का जीके का कॉम्पिटिशन हुआ था, उसका विनर आखिरकार कौन है। और जिसको एक्साइटमेंट हुआ है प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्साइटमेंट है कि हाँ विनर कौन होगा। तो अब मैं आपको विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ। विनर है हमारे 10th क्लास के छात्र मिस्टर अभिषेक, फादर्स नेम सतीश सिंह। जी हाँ, काफ़ी अच्छा बच्चा है, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनके 50 में से 34 नंबर आए थे। तो आई होप आपको विनर के बारे में जानकर काफ़ी खुशी होगी और उसको आप कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक भैया, उस तरह से प्लीज़ आप उसको कॉन्ग्रेस जरूर करो और अगले मंथ के कॉम्पिटिशन के लिए आप अभी से ही रेडी हो जाओ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार था हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? जी हाँ, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? सन 1853 ईस्वी में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्विज हुए थे, कॉम्पिटिशन हुए थे, उसमें से एक लड़की है जिसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लगभग वो आपके विनर जो हैं अभिषेक, उनसे बिल्कुल टक्कर में थी। जी हाँ, जिसका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उसको मैं अपनी तरफ से सेकेंड प्राइज़ हम देंगे उसको क्लास में, और उसका नाम मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। उसके लिए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएँ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन सन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जी हाँ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? जी हाँ, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आठ, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ
था? जी हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है 1917 ईस्वी में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी अच्छा क्वेश्चन था कि चोरी चोरा कांड कब हुआ है। जी हाँ, इसका आंसर है 5 फरवरी 1922 में। एंड आज का लास्ट सवाल, और इसके बाद हम सेकेंड विनर को अनाउंस करेंगे जिसको मेरी तरफ से उसको प्राइज मिलेंगे आपको स्कूल के सामने, और कल की वीडियो में बकायदा उनकी फोटो भी दिखेगी जिससे कि उनके पेरेंट्स भी देखे कि हाँ इन बच्चों ने कितनी काफी मेहनत करी थी। इस क्वेश्चन के बाद आपको उसका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, बंगाल का विभाजन किस घोषणा कब हुई। जी हाँ, बंगाल का विभाजन मतलब बंगाल का टुकड़े होना कब उसकी घोषणा हुई थी। जी हाँ, सन 1905 ईस्वी में। तो आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन आपको सेकंड विनर के सवाल का जवाब नहीं मिला। तो जी हाँ, हमारे आज के सेकंड विनर जिसका नाम है 5वीं क्लास की छात्रा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ वो कौन है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक चलते चलते प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि 5वीं क्लास की वो छात्रा है उसका नाम क्या है। आई होप आप लोगों ने, कई बच्चों ने कमेंट किया है, काफ़ी अच्छे कमेंट है। जी हाँ, 5वीं क्लास की छात्रा जो कि सेकेंड विनर है उसका नाम है जागृति। बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़की है और उसको सेकेंड विनर बनाया गया है, तो वो फाइनली सेकेंड विनर है, उसको भी प्राइजेस मिलेंगे। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे कि हमारा विनर कौन है, हमारा सेकंड विनर कौन है। मे बी हम अगली बार सेकंड प्राइज भी रखेंगे, लेकिन इस बार तो हमने स्पेशली जागृति के लिए रखा था कि उसने काफ़ी अच्छी मेहनत करी और 10th क्लास के बच्चों के साथ उसने कॉम्पीट किया, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अभिषेक के लिए और जागृति के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी। अब नेक्स्ट मंथ के लिए भी काफ़ी बच्चे मेहनत करेंगे, उसके लिए वीडियो को देखते रहें और सारा होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहें। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, और कल उनके फोटोज़ के साथ वीडियोज़ आएगी, तो मे भी उस वीडियो को भी काफ़ी अच्छे से देखिए और आगे शेयर भी कीजिए जिससे कि उन बच्चों को और भी मनोबल बढ़े। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।